रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। सीएम के कार्यक्रम में महिला से बदसलूकी हुई है, झज्जर से खबर, जहां पर सीएम से शिकायत करने के लिए महिला आई थी और उस महिला के साथ बदसलूकी होती है, वहीं पुलिस ने धक्के देकर उस महिला को बाहर निकाला है। नेहरू कॉलेज में मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम था जहां पर महिला के साथ बदसलूकी हुई है और पुलिसकर्मी धक्का देते हुए उस महिला को नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक महिला वहां पर पहुंचती है, फरियाद लेकर पहुंचती है, लेकिन जो पुलिसकर्मी हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं और महिला को धक्का देकर उस कार्यक्रम से बाहर भेज देते हैं। तो ये देखिए तस्वीरें, महिला मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, दरअसल मुख्यमंत्री का ये पूरा कार्यक्रम जहां पर महिला के साथ बदसलूकी हुई है, सीएम से शिकायत करने के लिए महिला आई थी, झज्जर में पूरा कार्यक्रम जहां पर एक शिकायत लेकर महिला मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी, लेकिन ऐसे में जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे वो पुलिसकर्मी महिला के साथ बदसलूकी करते हैं और महिला को उस कार्यक्रम स्थल से धक्का देकर वहां से बाहर निकाल देते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल ये झज्जर की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था जिसमें सभी लोगों को आमंत्रित भी किया गया था, लोग वहां पर पहुंचे भी थे और ऐसे में एक महिला जो कि अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी तो उसने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री के सामने रखी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसके साथ धक्का मुक्की की है। सनी हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सनी, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, इस पूरे मामले की जहां तक बात है, जैसे कि नेहरू कॉलेज में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था जहां ये महिला जो है शिकायत लेकर वहां पहुंची थी, तो पुलिसकर्मियों ने रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद महिला ने थोड़ा सा हल्ला किया और वहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी है, आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि किस तरह से इस महिला के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उसको धक्के देके बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर धक्के देके बाहर निकालना था या कुछ गलत महिला ने किया भी था, सवाल ये खड़ा होता है तो किसी महिला अधिकारी से या महिला पुलिस कर्मचारी से उस महिला को बाहर, तो क्या मुख्यमंत्री ने, क्या मुख्यमंत्री ने उस महिला की शिकायत सुनी? देखिए, मुख्यमंत्री के समक्ष जब ये मामला आया, उन्होंने तुरंत उन लोगों को बुलाया और उनसे अच्छे से बातचीत की और मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि इस पूरे मामले की जो उनकी जो शिकायत थी उसकी जांच कराएंगे और जो भी इसमें उचित होगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। लेकिन पुलिसकर्मियों ने उस महिला को धक्का क्यों दिया? क्या ये अभी तक स्पष्ट हो पाया है कि आखिर पुलिसकर्मी उस महिला के साथ धक्का मुक्की क्यों करते हैं, उसको धक्का देकर बाहर क्यों निकालते हैं? देखिए, पहली बात तो पुलिस की जहां तक बात है, कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं हर एक विभाग में जो उसकी सब पूरी छवि पर दाग लगा देते हैं। जहां तक इस पूरे मामले की बात है, धक्का क्यों लगाया गया, कार्यक्रम मुख्यमंत्री का था और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में महिला शिकायत देने आई थी और शिकायत भी वो पुलिस वालों के ही खिलाफ थी। समस्या सबसे बड़ी ये थी क्योंकि एक करीब एक महीना पहले उसके बच्चे से कुकर्म हुआ था, पुलिस में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। वही शिकायत वो महिला सीएम के समक्ष रखना चाहती थी, लेकिन पुलिस की शिकायत होना अपने आप में एक बड़ी बात हो गया। तो जैसे तैसे, हालांकि पहले प्रयास किया गया पुलिस की तरफ से समझाने का, लेकिन महिला और उसका परिवार पूरी तरह से गंभीर था, उतावला था, सीएम साहब के समक्ष उन्होंने अपनी समस्या रखनी थी, लेकिन जब ताव में आकर आप एक अधिकारी को देख ही रहे कि किस तरह से उसको धक्का मुक्की कर रहे हैं, उसे बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन सनी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से विधायक रणवीर सिंह गंगवा इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रणवीर सिंह जी, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल यही कि प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं एक तरफ वो, लेकिन दूसरी तरफ जब एक महिला अपनी शिकायत लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है तो वहां पर पुलिसकर्मी उस महिला को धक्का देकर वहां से बाहर निकालते हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके से वारदात पे जो मैंने आपके टीवी के माध्यम से भी जो आपने जो बताया है, इस टाइप की वारदात अगर होगी जहां ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात ये करते हैं और बेटियों की महिलाओं की शिकायत रखने का मौका ही उनको ना दिया जाए सीएम साहब के आगे, तो फिर सीएम साहब के उन दौरों का क्या फायदा है, सीएम साहब के रोड शो का क्या फायदा है? सीएम साहब अगर वहां गए हैं शिकायतें सुनने के लिए तो उसका औचित्य क्या है? तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम तो पहले कह चुके हैं कि जो मौजूदा जो सरकार है इसकी प्रशासन के ऊपर पकड़ नहीं है, इसलिए प्रशासनिक जो अधिकारी है, प्रशासनिक जो लोग हैं, वो अपनी मर्जी से वो सिस्टम चला रहे हैं और इसीलिए आज लोग दुखी और परेशान है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इसकी। रणवीर सिंह जी, जो जो अभी तक जानकारी आ रही है, जो जानकारी सामने है, उसमें ये कहा जा रहा है
कि महिला के बच्चे के साथ कुकर्म होता है और उस मामले को लेकर पुलिस की जो कंप्लेंट है वो महिला लेकर आई थी, लेकिन ऐसे में जब ये जानकारी पुलिस के अधिकारियों को पता चली तो उसके बाद जैसे ही शिकायत करके मुख्यमंत्री के साथ जब वो आगे बढ़ती हैं और उनको शिकायत करने के बाद आगे आती हैं, तो इतने में ही जो पुलिस के लोग होते हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो वहां पर होते हैं, पुलिसकर्मी वहां पर उस महिला को धक्का दे देते हैं। तो क्या ये माना जाए कि प्रदेश के अंदर यदि किसी भी विभाग के खिलाफ, किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत करता है तो उसका अंजाम कुछ ऐसा होगा? निश्चित तौर पर आज हो रहा है, आज यही तो हो रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज जो सरकार है, सरकार का अधिकारियों के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, उनको ये लगना चाहिए कि हमारे ऊपर सरकार है, अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें जो है उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन आज प्रशासन को, अधिकारियों को सरकार का कोई डर नहीं है, इसीलिए मुख्यमंत्री के होते हुए वहाँ इस टाइप की घटना घट जाती है, वो भी आज के हालात में जब हर एक के हाथ में मोबाइल है, फिल्में बढ़ जाती है, वीडियो बढ़ जाता है, इसके बावजूद उनकी ये हिम्मत है कि हम वो किसी को मिलने नहीं देते थे। किसी की जो इतनी बड़ी उसको शिकायत लेकर के आई है, उसकी शिकायत मुख्यमंत्री के आगे रखने नहीं देते, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं ये कहूंगा। और जो मौजूदा जो सरकार ये कह रही है कि हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, केवल नारों से काम नहीं चलेगा, केवल मुख्यमंत्री के रोड शो से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर जरूर चिंतन मनन की जरूरत है। इसको प्रशासन के ऊपर अपनी पकड़ करनी चाहिए ताकि प्रशासन के लोग ठीक पूछ के। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए एक और भी चीज स्पष्ट है, क्योंकि वहां पर महिला पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रही हैं, जो पुलिसकर्मी हैं वो वहां पर हैं और उनके द्वारा ही उस महिला को धक्का दिया गया है। और ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी से नेता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, विधायक भी हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत स्वागत है ज्ञानचंद जी आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले मुख्यमंत्री के उस कार्यक्रम को लेकर ही मैं सवाल कर रहा हूं और इसी को लेकर हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। एक महिला अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है, लेकिन वहां जो मौजूद पुलिसकर्मी होते हैं, क्योंकि शिकायत पुलिसकर्मियों की ही की जा रही है, ऐसे में पुलिसकर्मी उस महिला को धक्का देकर बाहर निकालते हैं। आपको लग रहा है कि जिस प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ऐसे में यदि पुलिसकर्मियों प्रशासन के द्वारा ऐसा बर्ताव महिला के साथ किया जाता है, कितना सही आप इसको मान रहे हैं? ज्ञानचंद जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है ज्ञानचंद जी? नहीं आवाज नहीं आ रही मुझे। चलिए मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं, यदि आपको आवाज मिल रही हो तो। एक कार्यक्रम के अंदर, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम झज्जर में, जहां पर एक महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंचती है, लेकिन वहां पर पुलिसकर्मी उस महिला को धक्के देकर वहां से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि शिकायत वो पुलिसकर्मियों की ही कर रही थी, कितना सही आप इसको मान रहे हैं? और यदि गलत है तो क्या एक्शन होगा? आप देखिए परिस्थिति क्या रही होगी क्या नहीं हुआ मुझे नहीं जानकारी, लेकिन महिला के साथ दुर्व्यवहार करना किसी भी प्रकार से उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। और महिला अगर, मैं समझता हूँ कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्या किस समय वो क्यों जाना चाहती थी, या कोई मीटिंग के अंदर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस करने का इरादा था या मिलने का इरादा था, अब ये सारी परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता कि उन्होंने महिला को रोका क्यों रोका। आखिरकार अगर झज्जर में अगर मुख्यमंत्री जी सबसे मिल रहे थे तो उससे भी मिलने की कोई उनको कोई परेशानी नहीं हो सकती, लेकिन अब परिस्थिति क्या रही होगी? ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो दरअसल महिला की शिकायत थी, कुछ चीजों को लेकर वो अपनी बातें रखना चाहती थी। दरअसल पुलिस की जो कार्यप्रणाली रही है, उनकी बच्ची के साथ कुकर्म होता है, ऐसे में उसी बात को लेकर शिकायत करने के लिए वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है, मुख्यमंत्री से वो शिकायत करती हैं और ये पूरा वाकया बताती हैं, जिसके बाद जब ये जानकारी पुलिस के अधिकारी जो कि वहां पर मौजूद थे जब उनको ये पता चलता है, तो जैसे ही महिला बाहर आती है उसके बाद वो पुलिसकर्मी पुलिस अधिकारी जो वहां पर मौजूद होते हैं तैनात होते हैं, वहां महिला पुलिसकर्मी नहीं होती हैं, जो पुलिसकर्मी होते हैं अधिकारी वहां पर होते हैं वो उस महिला को धक्का देकर वहां से बाहर निकाल देते हैं। गलत है, बिल्कुल इसको कोई जायज नहीं ठहरा सकता। अगर इस प्रकार से जिस प्रकार से आप बता रहे हैं अगर इस प्रकार से हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, उसको कोई जायज नहीं ठहरा सकता। चलिए ठीक है ज्ञानचंद गुप्ता जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ कुछ देर और बने रहें। कांग्रेस पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नरेश जी कार्यक्रम में बहुत स्वागत है,
बात मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर की जा रही है, एक महिला के साथ धक्का मुक्की होती है, पुलिसकर्मी धक्का देकर महिला को बाहर निकाल देते हैं, महिला मुख्यमंत्री के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंच रही थी, महिला पुलिसकर्मी वहां पर नहीं होती हैं, जो पुरुष वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं, अधिकारी वहां पर मौजूद होते हैं, वो महिला को धक्का देकर बाहर निकालते हैं। सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या है? लोग कर रहे थे वहाँ, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, पुलिस वाले को भी जर्सियां बांटी के बांटी गई है, व्हाइट कलर साफ हुए तो प्रतिमा बांटी हुई थी सर, और पूर्ण रूप से अनुभवहीन मुख्यमंत्री बोखला हुआ था। नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपमान करते हैं नारियों का, इससे शर्म की बात हरियाणा प्रदेश के लिए और कोई हो नहीं सकती। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में महिलाओं का अपमान किया गया था वहां सरेआम। गुप्ता जी, क्या इस पर कहेंगे अब? अब क्या रिएक्शन होगा आपका, और क्या सरकार के द्वारा अब इस पर कोई कदम उठाया जाएगा? संपर्क टूट गया है और हमारे साथ अब ज्ञानचंद गुप्ता जी अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन हम दोबारा से संपर्क साधने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ रणबीर सिंह जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में लगातार जुड़े हुए हैं। लगता है शायद रणबीर सिंह जी भी चले गए हैं फोन से, लेकिन हमारे साथ नरेश शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। नरेश जी, आपने भी चीजें देखी हैं, आपने भी तस्वीरें देखी हैं, प्रदेश में शिकायत लेकर कोई भी नुमाइंदा या फिर कह लीजिए कि कोई भी शख्स, प्रदेश की जनता जब मुख्यमंत्री के सामने आती है तो किसी उम्मीद के साथ आती है। यदि वो शिकायत करती है, उस महिला ने पुलिसकर्मियों की शिकायत की है, पुलिस विभाग की शिकायत की है, तो क्या ऐसे में यहाँ सरकार का दायित्व नहीं होना चाहिए कि कम से कम जिस विभाग की वो शिकायत कर रही है महिला, और यदि उसी विभाग के अधिकारी, उसी विभाग के लोग उस महिला को परेशान करते हैं, धक्का देकर ऐसे बाहर निकालते हैं, तो अब सरकार को कोई स्टैंड लेना चाहिए, एक मैसेज पहुंचाना चाहिए पूरे प्रदेश के अंदर? सरकार को तुरंत प्रभाव से उसकी फरियाद सुननी चाहिए थी, उसको न्याय उचित तरीके से न्याय देना चाहिए था, लेकिन सरकार के पास तो अनुभव नहीं है ना, जिस दिन से बैठे हैं, पहले तो कांग्रेस ने गड्ढे खोदे, इतने गड्ढे खोदे, कानून व्यवस्था नाम की चीज प्रदेश के अंदर बची नहीं है किसी भी एंगल के, और आज पूर्ण रूप से सरकार फैल विकास का जो एजेंट था महिला का तो अपमान। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश शर्मा जी, कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन यहाँ बहुत सारी तस्वीरें हैं और इन्हीं तस्वीरों के जरिए ये स्पष्ट हो रहा है कि क्या चीजें हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। झज्जर का एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री का, जिसमें बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन झज्जर में एक कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान, एक महिला के साथ धक्का मुक्की पुलिस अधिकारियों के द्वारा की जाती है, सबसे पहला रिएक्शन आपका इस पर क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि योग दिवस तो, योगा तो मैं रोज ही करता हूं, मैं नई बात तो है नहीं योगा की, जो जो कोई आज ही योगा योगा दिवस के बारे में करके जो इन्होंने ये जो आडंबर किया है उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात ये है, जो आपने जो बात, जिस बात को लेकर आपने रखा है कि देखो, एक तरफ तो एडवर्टाइजमेंट ये लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटे अभियान चलाओ, और लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च करी तब भी आज तक जो हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, और जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसा है कि कभी भी जो है ये जो भी अधिकारी जिन्होंने ऐसा काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं उन्होंने को, आफ्टर ऑल चीफ मिनिस्टर जो है वो लोगों की ग्रीवेंसेस सुनने के लिए है, अगर कोई महिला को कोई दिक्कत थी उसकी बात अगर मुख्यमंत्री ने सुन सकते थे तो उनके जो OSD हैं, PS हैं, उनकी बात सुन सकते थे, उनकी जो है एप्लीकेशन वहां तक पहुंचा सकते थे, कुछ तो करना चाहिए था ना। फिर इनका बेटी बचाओ ये आडंबर ही है सारा, योगा दिवस वो भी आडंबर है। योगा तो मैंने भी किया, आज सुबह भी करता हूँ, रोज करता हूँ योगा, इसमें ऐसा क्या अलग बात है कि योगा दिवस के लिए अलग को दिवस बनाया जाए। तो कैप्टन साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि आप हमेशा से कहते हैं कि जनता के बीच पहुंचकर जनता की आवाज उठाते हैं आप, तो क्या ऐसे में इस महिला की जो परेशानी है जो इस महिला के साथ हुआ, क्या ऐसे में इस महिला का सहयोग कांग्रेस पार्टी के द्वारा मिलेगा? बिल्कुल सहयोग करेंगे, अगर मेरे पास आएगी तो मैं करूंगा, वरना वहाँ जो हमारे
एमपी हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, हमारे एमपी हैं वहां से, एक ही इकलौते एमपी हैं, वो उनसे अगर उनसे मिलना चाहिए, अगर वो नहीं कुछ करते हैं तो हम तैयार हैं इस बात के लिए। मैं मुख्यमंत्री के पास स्वयं चलूंगा साथ, महिला को लेकर अगर मुझे मिलती है तो मैं स्वयं चलूंगा उनके साथ और जाके मिल के आऊंगा कि इनकी बात सुनिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कैप्टन साहब कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये बहुत सारी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के जरिए प्रदेश की स्थिति, बार बार जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठता है, बेटियों की सुरक्षा को लेकर जब सवाल उठता है, दूसरी तरफ जब सरकार ये कहती है कि हम बेटियों को बचाने के लिए पूरी तरीके से वचनबद्ध हैं, लेकिन जब उनकी कार्यक्रम में यानी कि मुख्यमंत्री का जब कार्यक्रम होता है उस दौरान एक महिला जब अपनी फरियाद लेकर पहुंचती है, ऐसे में उस महिला की सुनवाई ना होकर बल्कि जिस विभाग के खिलाफ महिला शिकायत करने के लिए आती है उस विभाग के अधिकारी यानी कि पुलिसकर्मी उस महिला को धक्के देकर यहां बाहर कर देते हैं, कितना सही कितना जायज ये सवाल है।